सोलरेबल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में जैसा कि हमने बात किया था कि सोलर पैनल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, अगर हम कोई भी नया सोलर पैनल परचेज कर रहे हैं तो हम क्या क्या चीज़ें उसके अंदर देखेंगे। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि पूरा सोलर सिस्टम क्या होता है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, लोगों के दिमाग में इसके बारे में क्या क्या मिथ चल रहे हैं, और सोलर पैनल लगा के हम कितना पैसा कमा सकते हैं और कितनी बिजली सेविंग कर सकते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है सोलर सिस्टम क्या होता है। अगर मैं सोलर सिस्टम की आपसे बात करूं तो क्या होता है कि इसके अंदर काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिन सभी का यूज़ करके बिजली को प्रोड्यूस किया जाता है। जिसके अंदर जो फर्स्ट कंपोनेंट आता है वो आता है सोलर पैनल। सोलर पैनल का जो रोल रहता है वो ये है कि वो जो सूरज की किरणें हैं उनसे बिजली को प्रोड्यूस करता है। इसके बाद जो इन्वर्टर लगा हुआ होता है वो क्या करता है, जो डीसी करंट पैदा हो रहा है सोलर पैनल की मदद से उनको एसी करंट के अंदर कन्वर्ट करता है। थर्ड कंपोनेंट है बैटरी। बैटरी का यूज़ इसलिए किया जाता है, जिस वक्त अगर सोलर पैनल काम नहीं कर रहे हैं तो उस वक्त क्या होगा, जो करंट होगा वो हमको बैटरी के माध्यम से मिलेगा। लास्ट कंपोनेंट है सोलर स्ट्रक्चर। सोलर स्ट्रक्चर का यूज़ सोलर पैनल्स को छत पे टाइट करने के लिए किया जाता है, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम डायरेक्टली छत पे अगर सोलर पैनल को रखेंगे तो ज़्यादा तेज हवा चलने के कारण वो उड़ सकते हैं, या फिर क्या होगा कि वो प्रॉपरली एक अगर डायरेक्शन में नहीं रहेंगे तो जो प्रॉपर करंट जनरेट करना है वो नहीं होगा। इसलिए क्या होता है कि सही जो सोलर स्ट्रक्चर होता है उसका यूज़ किया जाता है। अगला टॉपिक है सोलर पैनल के इंपॉर्टेंस। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सोलर पैनल खरीद रखा होगा, या फिर काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो सोलर पैनल खरीदने का सोच रहे हैं। लेकिन क्या आप लोग ये चीज़ जानते हैं कि सोलर पैनल एक आपके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकता है, इसके अंदर भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि अगर आप कहीं पर भी अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपका जो मेन टारगेट होगा कि आपको वहाँ पे जो रिस्क फैक्टर है वो सबसे लो और जितना से ज़्यादा आपको वहाँ पे रिटर्न मिल सकता हो वहाँ पे आप लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो सोलर ही उन्हीं में से एक चीज़ है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर करंट टाइम के मैं इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपको बताऊं जिनमें जो सबसे ज़्यादा चल रहे हैं उसके अंदर जो फर्स्ट आता है वो आता है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट की अगर हम बात करें, यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट हो अगर आप जितना भी करोगे उसका आपको जो रिटर्न मिलेगा वो सबसे ज़्यादा मिलेगा। लेकिन जो दिक्कत आपको जहाँ पे आएगी वो ये है कि आपको यहाँ पे रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि आपने जो भी पैसा लगाया ये गारंटी नहीं कि वो पैसा भी आपको वापस मिलेगा या नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो इतना भी पैसा आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसका जो आपको रिटर्न तो हाई मिल जाएगा, लेकिन दिक्कत क्या है कि यहाँ पे रिस्क है, आपका पैसा डूब भी सकता है। इसीलिए काफ़ी सारे लोग हैं जो शेयर मार्केट के अंदर पैसा नहीं लगाते हैं। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन हमको मिलता है वो होता है एफडी का। अगर हम एफडी कराते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि रिस्क तो एकदम लो है, लेकिन दिक्कत आती है कि वहाँ पे हमको जो रिटर्न मिलता है वो 7 से 8% का ही मिलता है, जिसके कारण भी क्या होता है कि काफ़ी सारे लोग उसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है हमारे पास म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड के अंदर हमको 10 से 15% तक का रिटर्न मिलता है, लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पे रिस्क वो एकदम नॉर्मल रहता है, यहाँ पे मैक्सिमम चांस में तो आपका पैसा नहीं डूबेगा, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जहाँ पे अगर मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन होता है तो आपका पैसा डूब सकता है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, काफ़ी सारे लोग पैसा लगाते हैं, काफ़ी सारे लोग नहीं लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ा सा रिस्क बना हुआ रहता है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है एलआईसी के अंदर। अगर यदि आप लोग देखेंगे तो एलआईसी के अंदर अभी के टाइम पे काफ़ी लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एलआईसी के अंदर क्या होता है कि आप एक लिमिट अमाउंट ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके ऊपर आपको 10 से 12% तक का रिटर्न मिल जाता है, लेकिन एक लिमिट अमाउंट होने के कारण यहाँ पे आप बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है वो नहीं कर सकते। अब ये तो जो सारे ऑप्शन हो गए जो मार्केट के अंदर आप देखते हैं और जो ऑप्शन है, तो इसी के साथ साथ मैं आपको आज एक नया ऑप्शन और बताना चाह रहा हूँ, वो है सोलर सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर भी आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जहाँ पे क्या होगा आपको रिस्क फैक्टर जीरो मिलेगा और इन सारे जो ऑप्शन मैंने आपको बताए इनसे जो रिटर्न है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई मिलेगा। अगर आप अपने घर के अंदर या फिर आपके जो भी आपका वर्क प्लेस है वहाँ पे अगर सोलर सिस्टम लगाते हैं तो यहाँ पे लगभग आपको हर साल का 20% तक का रिटर्न मिल सकता है, और रिस्क फैक्टर की अगर बात करूँ तो ये लगभग जीरो के बराबर होता है। यानी कि अगर आप सोलर पैनल के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हर 5 साल में आपका पैसा डबल हो रहा है। अगला बेनिफिट मिलता है सोलर सिस्टम लगा के हम हमारे घर का या फिर हमारे वर्किंग प्लेस का जो बिजली का बिल है उसे लगभग जीरो के बराबर कर सकते हैं। अगर मैं आपसे बात करूँ रेजिडेंशियल सेक्टर की, तो यहाँ पे लगभग बिजली का जो बिल होता है वो 8 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से मिलता है। अगर बात करूँ कॉमर्शियल सेक्टर की, तो यहाँ पे जो बिजली का बिल होता है वो लगभग 11 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से होता है। यदि हम इन जगह पे सोलर सिस्टम लगा देते तो आने वाला जो हमारा बिजली का बिल है उसे हम लगभग जीरो कर सकते हैं। और आप में से काफ़ी सारे लोग ये चीज़ जानते हैं कि जो पैसा हम बचाते हैं वही पैसा एक तरीके से हम कमाते हैं, तो सोलर पैनल लगवा के हम हमारी खुद की बिजली जनरेट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि हमको बिजली का बिल नहीं भरना पड़ेगा और वो पैसा हम और कहीं दूसरी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
अगला जो बेनिफिट मिलता है हमको सोलर सिस्टम से वो ये कि हम इसको पावर बैकअप के लिए भी यूज कर सकते हैं। काफी सारी जगह आपने ऐसी देखी होगी जहां पे क्या होता है कि आज बिजली का पूरा जो प्रबंध नहीं हो पाया है, जिसके कारण क्या होता है वहां के जो लोग है वो जनरेटर्स का यूज करते हैं, और जनरेटर के अंदर क्या होता है कि डीजल का प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या होता है काफी सारा पॉल्यूशन पैदा होता है और बिजली पैदा की जाती है। लेकिन अगर वो लोग सारे अगर सोलर सिस्टम लगाते तो एक ही बार में क्या होगा कि उनको ये बेनिफिट मिल जाएगा, उनको बार बार डीजल नहीं खरीदना पड़ेगा, और क्या जो पोल्यूशन हो रहा है वो पोल्यूशन नहीं होगा, और जो उनकी बिजली की समस्या है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। इसी के साथ साथ काफी सारे लोगों के दिमाग में ये मिथ है कि जो कश्मीर होता है या फिर जो ठंडे इलाके हैं वहाँ पे सोलर सिस्टम सही तरीके से काम नहीं करता है, तो इसका भी आपको मैं आज जवाब देता हूँ। इसके बारे में मैंने काफ़ी रिसर्च भी की और हमने वहाँ पे जाके कई जगह पे सोलर सिस्टम लगाए भी हैं। अगर मैं आपसे बात करूँ कश्मीर या किसी भी ठंडे इलाके की, तो वहाँ पे भी सोलर सिस्टम सही तरीके से काम करेगा। बस आपको दिक्कत ये आ गई कि जहाँ पे जो दूसरी जगह है वहाँ पे क्या होता है सोलर सिस्टम पूरे 300 दिन काम करता है, उसकी जगह क्या होगा वो लगभग 200 दिन के आसपास ही काम करेगा। क्योंकि क्या होता है कि जो कश्मीर या फिर जो हिमाचल का एरिया है वहाँ पे क्या होता है बर्फबारी काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसके कारण क्या होगा कि वहाँ पे उस वक्त सोलर पैनल ढंग से काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि सोलर पैनल को चलने के लिए धूप की ज़रूरत होती है, और अगर धूप नहीं मिल पाएगी तो वहाँ पे प्रॉपरली जो बिजली है वो पैदा नहीं हो पाएगी। इसके साथ साथ आपको एक ऑप्शन और मिलता है कि अगर आप वहाँ पे मोनो पैनल लगाते हैं तो अगर धूप कम है तो भी आप बिजली पैदा कर सकते हैं। अगला टॉपिक आता है सोलर सिस्टम की रेंज कितनी है। अगर मैं बात करूँ सोलर सिस्टम की रेंज को तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक तो होता है 1 किलोवाट से लगा के 10 किलोवाट, जिसको हम रेजिडेंशियल कैटेगरी में काउंट करते हैं, और 10 किलोवाट से जो ऊपर के सोलर सिस्टम होता है उसको कॉमर्शियल कैटेगरी में काउंट किया जाता है। अब बात करते हैं 1 किलोवाट सोलर सिस्टम से हम कितनी बिजली प्रोड्यूस करते हैं, तो लगभग 5 यूनिट हमको डेली के इससे मिल जाते हैं। अगर मंथली की आपसे बात करूँ तो लगभग 150 यूनिट होते हैं। अगर बात करूँ ईयरली तो एग्जाम्पल के लिए मैं कर रहा हूँ कि 1500 यूनिट हुए, और अगर बात करूँ अब मैं आपसे कि जो प्राइसिंग क्या रहती है पर यूनिट की, तो इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूँ आपको रेजिडेंशियल सेक्टर की, तो यहाँ पे जो प्राइसिंग होती है वो 8 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से होती है, और इसी के साथ साथ अगर कॉमर्शियल की अगर आप बात करें तो यहाँ पे आपको लगभग 11 रुपये प्रति यूनिट की देने पड़ते हैं। तो लगभग हम 1 किलोवाट सोलर सिस्टम लगा के साल का 10,000 रुपये तक बचा सकते हैं, और अगर कॉमर्शियल सेक्टर की बात करूँ तो ये 10,000 की जगह लगभग और 15,000 रुपये तक हम बचा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सोलर सिस्टम के अंदर कौन कौन सी कंपनियां इंडिया के अंदर काम कर रही है। तो इसके अंदर जो फर्स्ट कंपनी आती है वो है लुमिनस ऑफ ग्रिड सेक्टर के अंदर काम कर रही है। ये कंपनी के आपको इन्वर्टर, बैटरी और सोलर पैनल देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी आती है वो है माइक्रोटेक जो कंपनी, ये भी ऑफ ग्रिड सेक्टर के अंदर काम करती है। इनका जो इन्वर्टर है वो काफ़ी पॉपुलर है, इसके साथ साथ इनके आपको पैनल्स भी देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट कंपनी आती है लूम सोलर ऑन ग्रिड सेक्टर के अंदर काम कर रही है। ये कंपनी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि जो दूसरी आपको जितनी भी मैंने कंपनियाँ बताई ये पॉली क्रिस्टलाइन जो पैनल होते हैं वो क्रिएट करती है, जबकि लूम सोलर एकमात्र ऐसी कंपनी है इंडिया के अंदर जो मोनोक्रिस्टलाइन पैनल को क्रिएट कर रही है। इनकी जो एफिशिएंसी है वो नॉर्मल पैनल के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट कंपनी आती है टाटा सोलर जो कंपनी है ये कॉमर्शियल सेक्टर के अंदर काम करती है, और इनका मेन टारगेट ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का रहता है। नेक्स्ट कंपनी आती है पतंजलि सोलर मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा फेमस है, क्योंकि ये कंपनी बाबा रामदेव के द्वारा चालू की गई है, और इस कंपनी के आपको जो इन्वर्टर हो गया, बैटरी हो गया, साथ में सोलर पैनल भी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट कंपनी है गौतम सोलर, यह कंपनी सोलर लाइटिंग सिस्टम के लिए जानी जाती है। इसके बाद में शक्ति और लुबी सोलर आता है, ये दोनों कंपनियां जो सोलर वाटर पंप होता है इसके लिए जानी जाती है। इनके जो सोलर वाटर पंप है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इनके अंदर इस सेक्टर के अंदर ये दोनों कंपनियां ही काफ़ी अच्छा काम कर रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप सोलर के रिगार्डिंग और भी कोई भी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।